चुनाव में जीत के लिए पार की सारी हदें। ईवीएम में डाली गई फेविक्विक। यूपी में सत्ता हथियाने के लिए कुछ पार्टियां हर तिकड़म आजमा रही हैं, तो वहीं उन पार्टियों के कार्यकर्ता भी बेईमानी से बाज नहीं आ रहे। चौथे चरण की वोटिंग के दौरान भी नए नए तरीकों से बेईमानी की साजिश की गई। दैनिक भास्कर अखबार में छपी खबर के मुताबिक लखीमपुर सदर सीट के कादीपुर सानी गांव में ईवीएम में किसी ने फेविक्विक डाल दी। खबर के मुताबिक यहां ईवीएम में समाजवादी पार्टी के बटन पर किसी ने फेविक्विक डाल दी ताकि साइकिल का बटन कोई दबा ही ना सके। वोटिंग के दौरान जब सपा समर्थकों ने इस ओर ध्यान दिया तो मतदान केंद्र में हंगामा मच गया। समाजवादी पार्टी ने इस बारे में चुनाव आयोग से शिकायत की है। इससे पहले लखीमपुर खीरी से ही खबर आई थी कि ईवीएम के हर बटन दबाने पर भाजपा की पर्ची निकल रही है। लखीमपुर खीरी के फरदान थाना क्षेत्र के बूथ संख्या 85 पर मॉक पोल के दौरान कोई भी बटन दबाने से कमल की पर्ची निकल रही थी। इसको लेकर मतदान 2 घंटे तक बाधित रहा था। चौथे चरण में यूपी की 9 जिलों की 59 सीटों पर मतदान हो रहा है। चुनाव के नतीजे 10 मार्च को घोषित किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ वीक।